नमस्कार सर। नमस्ते, मैं निखिल किशोर कोरसकर सिपेट नगर महाविद्यालय का द्वितीय वर्ष छात्र हूँ। डॉक्टर कुशुकर सर के द्वारा एनएसएस से COVID-19 के ऊपर अवेयरनेस कैंप चल रहा है। जैसे कोरोना तो आप सभी जानते हैं, लेकिन कोरोना के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस ये जो है चीन के वुहान शहर से आया हुआ है और इसका प्रभाव अब दिन ब दिन अधिक से अधिक देशों में बढ़ता जा रहा है। तो जैसे कोरोना ये इस वायरस का ये होगा और बीमारी का नाम जो है वो COVID-19 करके, तो अपने भारत में उसका प्रथम संक्रमित केरल राज्य में पाया गया था और अभी तक भारत में 20,000-25,000 से ज्यादा संक्रमित हुए और 800 से अधिक मृत्यु पाई जा रही है। तो इसके इससे आप इसे कैसे पहचाने की ये कोरोना वायरस का ये है क्या? तो इसके सिम्टम्स ऐसे है कि जैसे सर्दी होना, खांसी, सर दर्द, इस प्रकार के सिम्टम्स आप पहचान सकते हैं। और शासन द्वारा एक ऐप निकाला गया, तो उस ऐप के जरिए भी आप उसके जानकारी ले सकते हैं कि COVID-19 आखिर है क्या। तो इसके प्रिकॉशन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपको संक्रमित हुआ है तो इसके लिए आप उसके प्रिकॉशन में, जैसे कि सरकार ने बताया कि भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाए, और यदि आवश्यक पड़ने पर आप जाते हैं तो अगले व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, हैंड वॉश, हैंड ग्लव्स या मास्क पहनिए, उससे संक्रमित होने से बच सकते हैं। तथा जैसे आप आवश्यक काम से लौटते हैं घर पे तो हैंड वॉश कीजिए, हैंड वॉश के बाद जो भी चीजें आपने लाई हो उस चीजों को धो के या फिर 12 घंटे बाद प्रयोग कीजिए, तो इससे असर उसका संक्रमित वायरस का असर कम हो सकता है। जैसे कि आप नागपुर में जानते होंगे कि एक पेशेंट उस वायरस के कारण COVID-19 के एक पेशेंट की मृत्यु हुई है, तो सरकार ने उस घर में जाके चेकअप करने के बाद 22 लोगों को या 20 लोगों को उसका संक्रमण दिखाई दिया, तो उसके ऊपर अभी इलाज चालू है। तो ऐसे ही जो संक्रमण को वो बढ़ने से बचाया जा सकता है देश को, मतलब जैसे लॉकडाउन चालू किया है, जैसे आपको पता ही है लॉकडाउन का असर आपको दिखाई दे रहा है। पहले लॉकडाउन नहीं था तो उस दौरान दिन ब दिन डबल दुगनी संख्या दिखाई देती थी, और अभी संख्या उसकी लॉकडाउन चालू होने पर इसकी संख्या जैसे 7 दिन में दुगनी दिखती है। पहले 2 दिन में दुगनी होती थी, अभी 7 दिन बाद दुगनी हो रही। तो इस विषय में गंभीरता चाहिए। जैसे अभी प्रिकॉशन में आप हाथ हैंड वॉश कर सकते हैं, मुंह धो सकते हैं, और इधर बात करते समय सोशल डिस्टेंस का वापर कर सकते, यूज कर सकते हैं, तो आप ऐसे प्रकार से आप संक्रमित होने से बच सकते हैं। तो शासन के दिए हुए निर्देशों का पालन किए करिए और आप सुरक्षित रहे, और धन्यवाद।